सो गाइस, न्यू सिलेबस में आईसीएआई लाया है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल SPOM। एंड मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी न्यू थिंग बॉट इन बाय आईसीएआई। तो इसमें क्या होने वाला है, इसके बारे में आप लोगों के साथ क्विक डिस्कशन करने वाला हूं आने वाले 5 मिनट में। सो चार सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ऐसे चार सेट्स होंगे जो आपको आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स पास करने के बाद देने हैं। अब जब आप इंटर का एग्जाम पास करोगे, उसके बाद में सीए फाइनल का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स के बाद आपका ड्यू होगा। उस बीच में आपको चार पेपर, सेट ए, सेट बी, विच इज कंपल्सरी। सेट ए इज रिलेटेड टू लॉ, इकोनॉमिक लॉ, जो सीए फाइनल में हुआ करता था। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन वाला जो एक सब्जेक्ट है, SCMP, जो सीए फाइनल पेपर 5 हुआ करता था, उन दोनों को आपको कंपल्सरीली देना है। 50 मार्क्स उसमें आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 100। एंड एज पर आईसीएआई उनका लेवल वैसा ही होगा जैसे आपके बाकी के 6 पेपर है सीए फाइनल के। अब देखते हैं व्हाट आईसीएआई हैज इन स्टोर, बट उनकी एक्सपर्ट कमिटी ने तो ये कहा है दैट इट विल बी एज रिगरस एज द अदर पेपर्स। एंड बाकी के जो है वो है आपके सेट सी एंड सेट डी। इसमें से जैसे इलेक्टिव का अपना रिस्क मैनेजमेंट था, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, वैसे ही आप बाकी भी टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हो। यू हैव टू सिलेक्ट आइदर ऑफ देम। जब आप सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए इंटरमीडिएट के बाद सिलेक्ट कर रहे हो ना, तभी आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेट सी, आप अगर आपने एग्जाम दिया और आप क्लियर नहीं हो पाए, आपके पास टोटल 2 बार ऑप्शन है उसको चेंज करने का। सेम सेट डी के लिए आपके पास 1 बार ऑप्शन है। उसमें सेट डी में थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वो सब चीज रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इट इज गोइंग टू बी अगेन MCQ बेस्ड। अब ये जो सेट सी और सेट डी है ना, इसमें इंस्टीट्यूट रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस रखेगा, अराउंड 200 पेजेस का ई बुक रखेगा। उन्हीं के जो लेक्चरर्स है वो आएंगे, आपको थोड़ा नॉलेज देंगे, उसके बेसिस पे आपको ऑन द स्पॉट एमसीक्यू का पेपर देना है एंड रिजल्ट मिल जाएगा। सो इज गोइंग टू बी द केस विद लॉ एंड SCMP, बट दे आर गोइंग टू बी अ लिटिल मोर एक्सटेंसिव। जहां पे शायद इंस्टीट्यूट अपना बुक रिलीज करेगा तो उसमें से पढ़ के आपको थोड़ा और एफर्ट्स डाल के एग्जाम्स देना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। बट सीए फाइनल का जो मेन 6 एग्जाम है उसके पहले आपको ये देना पड़ेगा। और आपको पता है अगर 30 जून के पहले किसी ने सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, देन एज पर द सोर्सेस आप ये एग्जाम्स को आपके सीए फाइनल के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी दे सकते हो। अदरवाइज तो एक बार 1 जुलाई 2023 के बाद स्टूडेंट ने रजिस्टर करना चालू किया, देन ही हैज टू कंपल्सरीली गिव इट बिफोर द एग्जामिनेशन, फिर ही वो अपने मेन एग्जाम्स दे सकता है। सो इन द कमिंग टाइम वी विल सी के कितना इफेक्टिवली आईसीआई इसको ले आता है, या फिर कहीं ये अपने पुराने ITT और वो GMCS कोर्सेज जैसा आउटडेटेड ना हो जाए कि खाली नाम के लिए इंस्टीट्यूट एग्जाम ले रहा है और कोई भी आके एकदम सिंपल सिंपल MCQs देके पास हो जा रहा है। बिकॉज उन्होंने अपने ड्राफ्ट में लिखा है दैट इट इज गोइंग टू बी एक्सपर्ट लेवल एग्जामिनेशन। तो एक होता है वर्किंग नॉलेज, एक होता है एक्सपर्ट नॉलेज। ICAI for set A and set B wants to test your expert knowledge. So time will tell how it shapes up. कोई negative marking नहीं है, so I think ये एक बहुत ही positive चीज है student लोग के लिए, they can give the exams. Plus अगर आप ये exams में on the spot आपको result आएगा, आप clear नहीं हो पाते हैं, within 7 days आप इसको re-register करके वापस से भी exam दे सकते हैं। So all in all, I think it's a good move. Depends ICAI कितना smartly इसको properly implement करता है। एज पर द सोर्सेज ICAI प्लान कर रहा है कि आप इसको आपके घर पे बैठ के भी दे सकते हो, प्लस ICAI विल ओपन अ लॉट ऑफ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, वहां पे आप सेंटर्स पे जाके भी ये एग्जाम को दे सकते हो। दैट विल बी योर चॉइस। सेट ए एंड बी बेसिकली एनालिसिस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, वेर एज सेट सी एंड डी विल बी मोर, जैसा मैंने बोला, अपॉन वर्किंग लेवल। सो आई होप ये आप लोग को आइडिया आ गया होगा। सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। थोड़ा सा आप मटेरियल को गो थ्रू करना जो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पे आपको मिलेगा, एंड देन बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक यू कैन डिसाइड। ऑलराइट गाइस, सो ये था अबाउट सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गया होगा। डू लेट मी नो इन कमेंट्स इन केस एनी अदर इन्फो रिक्वायर्ड रिगार्डिंग दिस। थैंक यू सो मच। हास्ता ला विस्ता।